भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार से हेडिंग्ले में खेला जाना है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना है। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम 3 बड़े बदलाव के साथ उतर, स्पिनर आर अश्विन की वापसी लगभग तय मानी जा रही है, जबकि सूर्य कुमार यादव को भी यहां डेब्यू का मौका मिल सकता है। पिछले 2 मुकाबलों के बाद भारत की ओपनिंग जोड़ी तय हो, रोहित और केएल राहुल अच्छी लय में और रन भी बना रहे हैं। लॉर्ड्स में भारत को शानदार शुरुआत दिलाने वाली ये जोड़ी लीड्स में भी प्रदर्शन दोहराना चाहिए। लगातार रन बनाने से जूझ रहे चेतेश्वर पुजारा को तीसरे मैच में आराम दिया जा सकता है। लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने रन बनाए थे, लेकिन फिर भी उनके प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने पर संशय। सूर्य कुमार यादव को उनकी जगह मौका दिया जा सकता, ऐसा हुआ तो ये लीड्स में उनका टेस्ट डेब्यू हो सकता। मिडिल ऑर्डर में तीसरे नंबर पर पुजारा की जगह सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आ सकते हैं। कप्तान विराट कोहली 4th नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, जबकि इसके बाद उपकप्तान अजिंक्य रहाणे। पंत ने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा खेल दिखाया है, उनकी जगह बतौर विकेटकीपर टीम इंडिया में फिट हो चुकी है। इंग्लैंड में उन्होंने हाथ दिखाए हैं, लेकिन बड़ी पारी का इंतजार अभी भी उनका जारी। वहीं अब तक खेले गए 2 टेस्ट में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी में बेअसर साबित हुए हैं। विकेट निकालने में नाकाम रहने की वजह से अश्विन को उनकी जगह मौका दिया जा सकता है। तमाम दिग्गजों का भी मानना है कि एक बदलाव टीम को जरूर करना चाहिए। वहीं चोटिल शार्दुल ठाकुर फिलहाल फिट है, ऐसे में ईशांत शर्मा की जगह उनको प्लेइंग 11 में जगह दी जा सकती है। कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी को मजबूती देने के लिए शार्दुल को लगातार प्लेइंग 11 में बनाए रखने पर जोर देते हैं। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज होंगे। लॉर्ड्स टेस्ट की जीत में सिराज और बुमराह की शानदार गेंदबाजी अहम रही थी, वहीं शमी ने भी दूसरे छोर से काफी अच्छी गेंदबाजी की। वहीं कुल मिलाकर अगर भारत की संभावित टीम की बात की जाए तो रोहित शर्मा, केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे, 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पर विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे 5 नंबर पर, 6 नंबर पर ऋषभ पंत, 7 नंबर पर अश्विन, 8 नंबर पर शार्दुल, 9 नंबर पर शमी, 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह और 11 नंबर पर मोहम्मद सिराज खेलते नजर आ सकते हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।